अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। अरे वाह 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 वाह, पापा उड़ गए हमारे, क्या बात है क्या बात है। अखबार में क्या आया है आज के, हमारे बाबू उड़ गए, क्या बात है क्या बात है। अरे सुशीला जरा चाय वाय पिलाओ बेटे को, उठे हैं राजा साहब। अब मैंने क्या किया पापा। कितने बजे उठे है बेटा जैसे? 11 ही बजे। अरे 11 बजे बस उठे है बेटा, अभी इतनी जल्दी क्यों उठे बेटा, 1 बजे उठो आराम से, क्लास तो वैसे भी आज भी तुमने छोड़ ही दी होगी। कोई नहीं बेटा, वेकअप बेटा वेकअप। गुड मॉर्निंग पापा। क्या खा रहे बेटा, क्या बनाया तुम्हारी मम्मी ने? वो तुअर दाल और चावल पापा। अच्छा तुअर दाल चावल, क्या बात है। अच्छा तुम्हें पता है तुअर दाल 160 रुपये किलो हो गई है? नहीं मैं बस बता रहा हूँ बेटा। उसके ऊपर ये क्या डाल रहे हो बेटा? चीज़ है पापा। अच्छा 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 चीज़ चीज़, वो इसमें हेल्दी फैट होता है ना पापा, तो मसल्स के लिए फैट क्या है। अच्छा हेल्दी फैट, क्या बात है बेटा, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा बजट का भी ध्यान रखो बेटा, 6 महीने से तुम थोड़ा ज़्यादा ही खा रहे हो ऐसा लगता है। हाँ पापा। वेकअप बेटा वेकअप। इसमें क्या वेकअप पापा? अच्छा बेटा ये जो तुम डंबल उठाते हो वर्कआउट मेंटेन करने के लिए पापा, इसीलिए। ठीक है बेटा ठीक है। सही लग गया ऐसे पापा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओ इससे भूख भी ज़्यादा लगती है? नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारी खुराक बहुत बढ़ गई है ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि बाकी तो बेटा कुछ नहीं, बट बॉडी बॉडी अच्छी बन रही है बेटा वैसे, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा बस थोड़ा घर में हाथ पाथ बटा लिया करो, उससे भी एक्सरसाइज हो जाती है, जरूरी है ये से कसरत करनी। करता तो वो पापा काम, थोड़ा माँ का हाथ बटाओ, पोछा लगाओ बेटा, उससे ही एक्सरसाइज हो जाएगी। वेकअप बेटा वेकअप वेकअप। अब इसमें क्या वेकअप पापा, आई एम जस्ट फेड अप यार, जस्ट फेड अप सच में, व्हाट वेकअप। अरे क्या हुआ था बेटा, क्या क्या संगीत बजाते हो तुम सिंगर क्यों नहीं बन जाते बेटा? थैंक यू पापा। अरे वो माथुर जी का जो लड़का है ना, वो तो अपना इंडियन आइडल में जाने वाला है, पता है ना तुम्हें? माथुर जी भी इसमें कहाँ गए अब? लॉकडाउन नहीं होता तो चले जाता बेटा वो। तुम तो बेटा 6 महीने से एक वीडियो नहीं बनाया तुमने। वेकअप बेटा वेकअप, एक गिटार वीटर बजाने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम ना ढूंढो। व्हाट वेकअप यार, यहाँ भी वेकअप, फक मुझे वेकअप का कुछ अब करना पड़ेगा। हाँ माधुरी जी हाँ, हे ऐसे तुमसे नहीं जीत पाएगा। वेकअप बेटा वेकअप 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 हंड्रेड। पिछले 6 महीने से जो चुतियापा चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हो, कभी लोग हैशटैग चला रहे हैं 9:09, कभी लोग थालियां बजा रहे हैं, कभी लोग दिए जला रहे हैं। यहाँ देश का GDP 23% से बढ़ गया है, लेकिन उसकी हमें क्यों परवाह नहीं लगी, हमें तो टिकटॉक पबजी बैन होने का दुख मनाना है। पर यहाँ पे केसेस 40 लाख के बाहर हो गए हैं और लोग तो ऐसे घूम रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे पापा आप न्यूज़ चैनल वालों को देख रहे हो ना, जिनकी आप इतनी तारीफ करते हो, ओ ये तो न्यूज़ ऐसे बताते कि जैसे क्या ही हो गया है, ओ आज इस सेलिब्रिटी ने हर रंग की टट्टी की, लगता है इन्होंने रात को पालक पनीर खाया होगा, लगता है अगर इन्होंने पालक पनीर खाया होगा तो हमें CBI जाँच करनी चाहिए, ओ CBI जांच कराई है, लेकिन ये क्या हमें हम न्यूज़ चैनल पे भर-भर के यही दिखाएंगे, ओ लेकिन यहाँ पे यूपी में इतने रेप केसेस हो रहे हैं, हमें वो क्यों दिखाना है, हमें तो ये दिखाना है क्योंकि ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। अरे CBI वाले अपना काम कर लेंगे ना, उनको पता है कि उनको कैसे काम करना है पापा, नहीं लेकिन हमें तो यही ट्रेंडिंग में जा रहा है, ओ सेलिब्रिटी का घर गिर गया है, ओ यही तो ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन हमें ये क्यों दिखाना है, हमें तो फार्मर्स की जो डेथ हो रही है वो तो दिखाना नहीं है। अरे पापा यहाँ पे 88 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, गांड फट के हाथ में आने लगता है कि मुंह के पेट्रोल करके गाड़ी चलानी पड़ेगी, नहीं लेकिन ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है, इंपॉर्टेंट तो है लिप सिंक करके
टिकटॉक और रील्स पे वीडियो डालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अरे मुझे तो समझ नहीं आता रील्स और टिकटॉक अब से इतना इंपॉर्टेंट होने लग गया, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल देश में। अरे पापा कभी कभी तो लगता है कि सिंगर बन जाओ, नहीं लेकिन आजकल ये गाने सुन के तो भाई मातम सा देता है। कुड़ी तो चॉकलेट है, चॉकलेट है, पता नहीं चॉकलेट क्यों है यहाँ पे। कभी फाइव स्टार है, किटकैट है, थोड़ा वेरिएशन तो लाओ भाई, कुछ तो अलग हो। कुड़ी तो अग है भाई, अग है, मुझे पानी पसंद है। कुर्ता पजामा काला 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 क्यों है भाई, काला मुझे हरा पसंद है ना। कभी कभी तो लगता है कि मैं ही लिरिक्स राइटर बन जाऊंगा और मैं ही करूंगा। आज ही मैंने गाना लिख दिया पापा, किचन में से मैं लाया छोले भटूरे, उसको मैंने डाला चटनी में, खाया 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 लस्सी के साथ साथ। इसका म्यूजिक तो आप ही कंपोज कर सकते हो पापा। अरे देश की पॉपुलेशन 150 करोड़ जो 150 करोड़ में से 150 मिलियन तो स्टूडेंट ऐसे ही सफर कर रहे हैं, उनका क्या, उनका तो कुछ नहीं हो रहा है ना, उनको तो जॉब ही नहीं मिल रही है। नहीं लेकिन हमें तो खुशी मनानी है, इसलिए पापा मैं आपको बोलता हूँ कि सीधा सीधा रोल बनाओ, ज्वाइन बनाओ मेरे साथ, मारो और जिंदगी भर की सबको बोलो गांड मारा है। मम्मी एक ग्लास पानी देना। जिला पानी दो बेटे को, कब से इतना समझदार हो गया बेटा तू, बहुत बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बना बेटा, रोल बना। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, माता रानी तुम लोग को पाप लगाएगी। थैंक यू सो मच एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, पीस।